लाओ पन्नी लाओ तो ढको, बारिश आएगी। इसका मुंह भी बिगाड़ दिया, इसका पेट भी बिगाड़ दिया। सचिन आज गोवर्धन के शुभ उपलक्ष। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो दोस्तों आज गोवर्धन है, तो हैप्पी गोवर्धन। सो दोस्तों आज गोवर्धन है, गोवर्धन पे पूजा होती है गोवर्धन की, तो वही सेम पहले बनाना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है। तो मैं बता दूँ कहाँ पर हूँ, मैं अभी अपने ताऊजी के घर पर हूँ, जो मैं सुबह आ गया था, क्योंकि ताऊजी के घर पर ही गोवर्धन की पूजा होती है। मतलब हम अलग अलग नहीं करते, गोवर्धन की पूजा एक जगह ही होती है, ताऊजी के मतलब घर पर ही होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ही आ गया था। तो अभी करना क्या है, अभी नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद अभी गोवर्धन बनाना है, मतलब ड्रॉ करना है गोबर से ही, मतलब गोवर्धन है तो गोबर से, तो वही बनाना है। तो ठीक है, फिर नीचे चलते हैं, मिलवाता हूँ ताऊजी से, मिलवाता हूँ और जो जो बना रहा है उससे मिलवाता हूँ। तो फिर ठीक है, चलते हैं नीचे और फिर लेट्स गो। तो भाई नीचे आ गए हम, ताऊजी ये मेरे ताऊजी, ताऊजी आए कर दो। हेलो, हाय, हैप्पी गोवर्धन। हैप्पी गोवर्धन। तो भाई गोवर्धन बन रहा है, ये मेरी बहन चिंकी, ताऊजी की छोटे वाली लड़की, मेरी बहन, बोल हाय, बोल हाय, हैप्पी गोवर्धन। बहुत अच्छे। तो भाई अब ये चिंकी बनाएगी, किसमें से देख के, ये वाला, ऐसा हम बनाने की कोशिश करेंगे पूरा, तो देखते हैं फिर। ठीक है भैया, बना रहे हम। कैसा बन रहा अम्मा? बढ़िया बन रहा बेटा। बढ़िया बन रहा? हाँ, बहुत बढ़िया। बुआ कैसा बन रहा? बढ़िया। बढ़िया बन रहा? चल चिंकी तेरी बहुत बढ़िया है। वो क्या बोल रहा है ताई जी, मेहनत मेहनत बढ़िया बता दी सबने। ताई जी कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है, चलो। ताऊ जी की भी तो मेहनत है, चलो निकाल ले। ताई जी कर दो, ये जय श्री माता जी कर दो, जय श्री माता। भाई यहाँ पर बन रहा है, हो गया, बारिश भी आ जाएगी भाई, है ना दोस्तों। अपना जो गोवर्धन रात में होगी, तो अपनी पूजा ना थोड़ी स्पेशल होती है। स्पेशल इसलिए होती है क्योंकि भाई अपने ना ताऊ जी जितने भी फैमिली मेंबर है, पूरे फैमिली मेंबर, सारे फैमिली मेंबर आते हैं, जितने भी हमारे घर परिवार के बड़े बड़े जितने भी है, मतलब बड़े बड़े ताऊ जी गाँव में
हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होकर के पूजन करने आता है, घर घर में जाते हैं सब लोग। हाँ, मतलब रात में यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो जाती है। जो समय पूजा का होता है उसी समय पूजा होएगी। हाँ, उसी समय सभी लोग आएंगे। तो भाई ये बना दे, ताऊ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम मतलब भीड़ हो जाती है भाई, और बहुत अच्छे तरीके से पूजा होती है गोवर्धन की, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो पूजा पूजा तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब अपनी मतलब पूजा के टाइम पर ना सभी लोग आ जाते हैं यहाँ पर, मतलब सभी लोग फैमिली मेम्बर आ जाते हैं, भीड़ हो जाती है यहाँ पर, और अच्छे से। हाँ, ये क्यूटी पाई ले ली है, बीच में मत बोल अब भाई। सब लोग आ जाते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर जितने भी अपनी बिरादरी के हैं सब लोग आ जाते हैं, और अच्छे से पूजा होती है। मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ, नीचे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। अपना ना गोवर्धन अपना तैयार हो गया, सबको पता है मॉर्निंग में तैयार हो जाता है और इवनिंग में इसकी पूजा होती है, ठीक है, अच्छे से होती है पूजा फैमिली। तो सीन कुछ ऐसा होता है, अपनी फैमिली में जितने भी अपनी फैमिली के मेम्बर होते हैं, बिरादरी के जितने भी लोग होते हैं, वो सब आते हैं, मतलब सबके घर जाते हैं, और वहाँ पर जाकर पूजा करते हैं। उनके जो पूजा करने का अंदाज होता है ना, सबके घर घर जा जाके, मतलब अपनी जो फैमिली के होंगे ऐसी होंगे 20 से ज़्यादा घर होंगे, तो सबके घर जा जाके अच्छे से पूजा करते हैं। तो उनका जो पूजा करने का अंदाज़ होता है ना, सच बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा ऐसा होता है, वो सब आएंगे रात में, और उनका जो भजन होता है ना, जैसे पूजा होती है जैसे आरती टाइप, तो कुछ भजन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। सीरियसली उसे देखने में भीड़ हो जाती है, और सब लोग आते हैं, सभी परिवार से आते हैं, और भीड़ हो जाती है, अच्छे से पूजा करते हैं उसके, मतलब चारों तरफ खड़े होकर बहुत जोर जोर से बोलते हैं, जो भजन जो आरती होती है, तो वो सब दिखाना है। तो उसके लिए आपको ना रात तक रुकना होगा, अभी तो दिन हो रहा है, तो अभी तो नहीं, इवनिंग में ही पूजा होती है, तो इवनिंग में पूजा होगी तो रात में मैं आपको मिलूंगा, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि गोवर्धन की पूजा कैसे होती है। तो उसके लिए आपको रुकना होगा, तो रात के कितने जने आते हैं और किस तरीके से पूजा होती है, जो भजन होता है ना, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, इस टाइप का होता है, मतलब लैंग्वेज अलग, वही देसी वाली अपनी जो होती है वो, और अच्छे से पूजा होती है वो, आप सब देखना। तो ठीक है, फिर देखना, आप दिखा दो, तो शाम को मिलते हैं। ओके, बारिश आ गई भाई। अरे मारा तुम पाल था ला, ऊपर जाओ गेट पे, ताऊ जी ढको भाई, बारिश आ गई, हमने अपना गोदन बनाया और डर है, ताऊ जी से ढको। हाँ ढक रहे हैं, ढको जल्दी सी, जा श्री की संजेंद्र देवता को तो आना ही पड़ेगा। सही बात है, पर ढकना चाहिए ना, पूजा होगी शाम को, मेहनत खराब जाएगी। श्री कृष्ण जी घड़े हमारे श्री कृष्ण जी, बारिश आ गई और भाई ये मेहनत अभी से ढकेंगे हम, ढकने की वो सोचते कैसे ढकते है। लाओ पन्नी लाओ, इसे ढको, बारिश आ गई। सीन ऐसा है कि भाई बारिश आ गई है, देखो मैं अभी थोड़ा भीग गया, तो बारिश आ गई है, तो भाई अभी देखते हैं रात में क्या सीन होता है। बारिश तेज आएगी तो भाई अपने जो गोवर्धन है, जो हमने कृष्ण जी बनाए, वो सब खराब हो जाएगा अगर तेज आ गई तो भाई देखते हैं फिर। ये हमने ढक दिए अपने कृष्ण जी, जिससे कि बारिश इन पे ना लगे। तो हन्नी भाई आप क्या कहना चाहोगे, बारिश आ गई, हमने मजा आ गया, और यहाँ जो हमने मेहनत करी नीचे गोवर्धन बनाए, कोई बात नहीं, वो तो सेव है, इससे सेव रहेगा, मतलब ढक बचा लेंगे, मतलब आज कृष्ण जी को सेव करेंगे। तो भाई इसमें तो पूरी दुनिया सेव हो जाएगी। ये ऐसे ढक देंगे भाई, तो भाई ऐसे ढक देंगे जैसे हन्नी गया जानी नीचे, एक बार और ढक दे। दोस्तों देखते हैं फिर रात में क्या होता है, भाई अगर तेज़ बारिश आई तो दिक्कत हो जाएगी,
तो वही है, अभी तो प्लानिंग चलती है ढकने की। वैसे तो हमने ढक दिए है किशन जी, तो वही है कि एक टाइम पे गोवर्धन से हमें मतलब उससे हमें बचाया था एक टाइम। भाई हन्नी, ये हन्नी हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी गोवर्धन बारिश में, बारिश में ये हन्नी मंदी आ रही है, बट मजा आ रहा है, पहली ठंड है। आज तू ऑफिस का काम नहीं कर रहा क्या? हाँ यार तो ऑफिस का काम, ऑफिस का काम ही मेरा भाई भूल गया था। क्या हो गया? मुझे लगा यार बिगाड़ दिखते हैं। क्या करा तुमने इसके साथ? इसका मुंह भी बिगाड़ दिया, इसका पेट भी बिगाड़ दिया। सारा देखना पिचका दिया, एक तो बारिश कैसे देख रही, आके बन, आके नीचे कर, आके नीचे कर, तूने खराब कर दिया। हाथ जोड़ ले, हाथ हाथ जोड़, जय कर ले, जय कर, जय कर ले, जय कराओ ताऊ जी से, माफी मंगवाओ, माफी मंगेगी कृष्ण जी से, गोवर्धन से माफी मांग। दिख 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 दिख, जय ना रोवे, ऐसे कर, जय जय कर ले, जय जय कर, आंखें तो नीचे कर ले। ताऊ जी ठीक कर रहे, इसने खराब कर दिया था, बैठ गई थी इसके ऊपर तो ये सब पिचका दिया, ये सब देखो ताऊ जी इसके नीचे भी देखो, ये सब ठीक करो। फाइनली दोस्तों रात हो चुकी है यहाँ पर और मैं आपको दिखा देता हूँ, तैयारी होगी, भाई आ गया। सचिन आए कर दे, आए कर दे, हाय हन्नी आए, हेलो हेलो, हाँ मेरी बहन भी ये रही आए बस। तो बिल्कुल तैयार हो चुके ताऊ जी, डैडी नाने करेंगे पहले। तो ये सारी ये जो स्पेस है ना, सारा स्पेस ये भर जाएगा फैमिली, और यहाँ पे मतलब ये सारी जो स्पेस है सारा, ये सारे जो लोग है ना मतलब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पूजा होगी, और ये सारा स्पेस है जितना भी, ये सारा भर जाएगा, अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये सारा स्पेस यहाँ पर, ये अभी वहाँ पर पूज रहे, उधर उधर पूज रहे, पूजा के बाद। अच्छा ये प्रसाद है, और पूजा के बाद जैसे पूजा ओवर हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं तो यहाँ पर इनको प्रसाद देना होता है, ये जो पूरे जो उसके लिए आई है। हाँ भैया दोज कर, भैया दोज, भैया दोज कर, हाय कर दो, ये भाई मैं भी होता है, बुआ बुआ भी है मेरी, हाय ये भाई सब लोग आगे, मेरी बहन है, बहन हाय कर दे, ये तो ये आज ही आई है, कल भैया दोज है और मेरी बुआ भी आ जाइए। यहाँ पर ना जेंट्स का ज्यादा काम होता है, लेडीज तो दूर से देखती है, तो जेंट्स दिखाऊंगा कितनी भीड़ होगी और कितने अच्छे तरीके से पूजा होती है, कुछ समझने समझ भी नहीं आएगा, गांव का तरीका देखना कितना अच्छे से गोवर्धन की पूजा होती है, वो दिखाता हूँ ठीक है। हाँ ये भी है ठीक है, ताई जी भी है, ये अंधेरा आ रहा, ताई जी लो, ताई जी सुबह ले ली थी बाबू। हाँ बहन बहन मैं वीडियो बनाऊंगा, तू नीचे खड़ी हो जाएगी ना मेरे से, ताऊ जी बोल दो ना। तो भाई ये ऐसे हमारे किशन जी और उनकी पूजा के लिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री। तो भाई पब्लिक आने से आ जाओ पीछे, आ जाओ तुम सब पीछे, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो अभी खील भील दे रहे हैं, तिलक तिलक हो रहा है, बहुत अच्छे से पूजा होती है सीरियसली।
राम राम जी। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, तोपे चढ़े दूध की धार की धार। तो भाई सीन यहाँ पर है कि अपनी पूजा हो गई, तिलक विलक लग गया और अच्छे से जैसे आपने देखा, तो ऐसा नहीं कि हमारे घर पर ही ऐसा होता है कि गोवर्धन महाराज जो भी आपने सुना जो ये भजन था, हमारे घर नहीं सभी के घर होता है, जितने भी अपने फैमिली मेंबर है कुंबे वाले सभी के घर होता है। तो अभी मैं आपको जाऊँगा, ए बंद कर, अभी उनके घर जाएंगे तो दिखाता हूँ आपको, सबकी वीडियो दिखाता हूँ सबके घर की, ठीक है? तो फिर देख चलते हैं, हन्नी के साथ चलते हैं। हन्नी चल रहा है, सचिन चल रहा, और कहीं भी जाना ना, तो फिर चलते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिरा। सचिन भाई ये सो फाइनली दोस्तों मैं अपने घर पर आ गया और यकीनन 20 से 30 घर थे जो हम पूजा कर कर आए, सभी लोग सभी फैमिली मेंबर सभी के घर से एक एक दो दो बंदे जाते हैं और सभी के घर जाना पड़ता है और पूजा करके आना पड़ता है। तो अपनी पूजा अपना गोधन तो ताऊ जी के उधर ही था, जैसे मैंने बताया सुबह से मैं वहीं था, अब मैं आया हूँ। तो भाई ये बात है कि ऐसी होती है हमारी पूजा, जैसे आपने देखा मैंने दो तीन के घर दिखाए एंड में, ऐसे होती है पूजा और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सभी लोग इस दिन मिलते हैं, मतलब सभी जितने भी अपनी फैमिली कुंबे के लोग हैं सभी इस दिन मिलते हैं और सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। जैसे आप सबने देखा कितने जने इकट्ठे हो के, मतलब एक भजन सा होता है जो कि देसी देसी टाइप होता है, वो गाना पड़ता है और फिर अच्छे से पूजा, मतलब इसको भी मतलब आरती बोलते हैं, आरती बोल लो भजन बोल लो ये होता है, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जैसे अभी देखा तो पे फूल चढ़े तो पे पान, तो आज मैं थोड़ा थक चुका हूँ तो अभी खाना खाऊँगा, खाना खाने के बाद ये वीडियो एडिट करूँगा जो आप देख रहे हो, ये एडिट करनी है मेरे को, तो ये रात तक आएगी, मतलब आने आ जाएगी रात आएगी, मैं डाल दूँगा अभी डाल दूँगा कल भैया 2 बजे। तो फिर बहुत अच्छा लगा आज का दिन। तो भाई अगर आप नए हो, आप मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो भाई मैं ऐसे ही व्लॉग बनाता हूँ, फैमिली व्लॉग ज़्यादा बनाता हूँ, बाहर भी जाता हूँ घूमने, तो अभी मेरी स्टार्टिंग है, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत मज़ा आ गया आज, बुआ भी आ रही थी, सब लोग आ रहे थे, बहुत अच्छा लगा। तो बाय बाय टाटा, अपना ख्याल रखिए, लाल सा बटन है सब्सक्राइब का ये जरूर दबा देना, ठीक है? बाय बाय।